दोस्तों, खीर भवानी मंदिर से आपको गुड मॉर्निंग। ये देखिए मंदिर का प्रवेश द्वार है, सुरक्षा पैरी सामने दिखाई दे रहे हैं। आज राजेश जी और मिजुला जी वापसी कर रहे हैं आगरा के लिए। हमारा सफर इनके साथ यहीं तक ही था। तुमके साथ जा रहे हैं, फिर मिलेंगे बहुत अच्छी यादें रही बूट कैंपिंग में। ठीक है, बाय। दोस्तों मंदिर का परिसर बहुत बड़ा है। माता खीर भवानी को शीर भवानी और राज्ञा देवी भी कहते हैं। यह डिस्ट्रिक्ट गंदरबल में तुल्ला मुल्ला विलेज में स्थित है। देखिए दृश्य, यहाँ पर ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था है। 500 रुपये से 1000 रुपये में कमरा आराम से मिल जाता है। मंदिर सप्तकोणीय झरने के पास स्थित है, जिसका पानी भी रंग बदलता रहता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अष्टमी के समय बहुत बड़ा मेला लगता है। मंदिर परिसर में बहुत सारी फैमिली भी रहती हैं, आसपास जॉब करने वाले भी यहाँ पर रहते हैं। उनके लिए एक ही बहुत ही सुरक्षित ठिकाना है। कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं का ये एक बहुत ही पूजनीय और पवित्र मंदिर है। मंदिर का निर्माण 1912 में महाराजा प्रताप सिंह ने करवाया था और बाद में महाराजा हरि सिंह ने मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। यहाँ का जो कुंड है उसका पानी का रंग भी बदलता है। प्रसाद ले रहे हैं, देखिए इन्होंने ये प्रसाद तैयार करके हमें दिया है। चुनरी, फूल, दूध, सारी इसमें सामग्री है प्रसाद की। और अब हम प्रसाद को लेके मंदिर की तरफ जा रहे हैं। बड़े हेल्पफुल है, रुकने में भी इन्होंने हमें, हाँ हमें बहुत व्यवस्था करी अच्छी। और हम लोग चलते हैं मंदिर की तरफ। धन्यवाद अशोक जी। कहते हैं रावण माता का भक्त था, लेकिन सीता हरण के बाद माता ने रुष्ट होकर वह स्थान त्याग दिया था और यहाँ आकर विराजमान हो गई थी। फ्रेंड्स देखिए, ये है खीर भवानी मंदिर का एंट्री पॉइंट। यहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं। ये देखिए, ये यहाँ का कैंपस है पूरा, आप देखिए। और हम लोग अब एंट्री कर रहे हैं। ये देखिए साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। खीर भवानी बहुत ही कश्मीर की बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर, बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, पवित्र मंदिर है खीर भवानी। यहाँ पर अभी भी कुछ दिन पहले ही बहुत बड़ा है मेले का आयोजन हुआ था, बहुत सारी बसें यहाँ से भर के आई थी। आइए मुख्य मंदिर की तरफ चलते हैं। मंदिर का इधर से प्रवेश द्वार है। यहाँ का वातावरण ही बहुत शुद्ध है, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। आप देखिए ये मंदिर है और मंदिर का विवरण यहाँ पर सामने ये लिखा हुआ है। यहाँ आकर मन को बहुत शांति मिल रही है। देखिए अब हम लोग पूजा कर रहे हैं। पूजा अर्चना कर रहे हैं हम लोग, पंडित जी हमारे। देखिए ये प्राकृतिक और पवित्र कुंड, माता जल में ही विराजमान है। पूजा करते हुए आरती करते हुए मंदिर परिसर में ही चिनार का ये वृक्ष, बहुत बहुत पुराना चिनार का ये वृक्ष है। देखिए मंदिर प्रांगण में सारे पेड़ चिनार के पेड़ हैं। ये देखिए चिड़िया चहचहा रही हैं, बहुत ही सुंदर बहुत ही पवित्र वातावरण है। देखिए
माता रानी आपके साथ थी और उसकी कितनी आंखें थी, बोले वो बहुत प्रसन्न हो गए माता रानी। कभी जिस टाइम अमरनाथ की यात्रा होती तो यहाँ हाजिर भी डालना ही पड़ता है, कभी यात्रा सकती है। हमने यहाँ सेवा कर दी है झाड़ू पोछा हर साल, यहाँ के लोग मुस्लिम हैं, 15 आदमी हम यहाँ सेवा कर रहे हैं। कुछ नहीं पानी रंग बदलता है ना उसमें, जैसे आप अपना कपड़ा चेंज कर रहे हैं वैसे माता रानी का पानी का दर्शन। ये बहुत शक्तिपीठ जगह है, आप इस मामूली जगह पे नहीं बुलाया गया है, टूरिस्ट विदेशी टूरिस्ट भी यहाँ पर काफी संख्या में आते हैं। वो गेट है एंट्री गेट, अब हम लोग नाश्ता लेंगे। खीर भवानी मंदिर में हमारा नाश्ता चल रहा है, आलू के पराठे, दही, अचार, लोग यहीं फर्स्ट क्लास नाश्ता है। देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध माता खीर भवानी मंदिर, क्योंकि प्रसाद में खीर का भोग लगता है, खीर बनाकर प्रसाद में सबको बांटी जाती है, इसीलिए माता खीर भवानी भी बोलते हैं। मंदिर परिसर का दृश्य मैं आपको फिर एक बार दिखवाता हूँ। यहाँ पर सभी चीज़ की व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी हैं, टॉयलेट वगैरह, शॉप्स, हर तरह की शॉप है, रहने के लिए स्थान है, सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। यह मंदिर श्रीनगर से करीब 25 किलोमीटर की ही दूरी पर है, आप देखिए। और आज इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, आप बने रहिएगा हमारी अगली वीडियो में और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार।